जाएगी, अभी तक तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद हो रही है। जब ऊपर जाएगी फिर उसके बाद नीचे आएगा तो फिर आप कंट्रोल करेंगे अपनी। मैं यहाँ से, ये है सारा ट्रैक, मैं बहुत स्लोली स्लोली जा रही हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से वीडियो ले सकूँ। और ओ माय गॉड, आज हम इतनी दूर चले गए और मैं अभी तक इधर ही हूँ। नाइस, ये फ्राइज लिए हैं। दैट्स इट, वन मोर, या टोमेटो सॉस, मस्टर्ड। वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूसरस लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ साउथ अफ्रीका में बच्चों को हॉलीडेज़ हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे प्लान करते हैं एक दो दिन के बाद कि मैं बच्चों को कहीं बाहर ले जाऊँ, बच्चे थोड़ा इंजॉय कर लें, क्योंकि जब स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ये एक टाइम होता है जो हम सारा दिन साथ में गुजारते हैं, घूमते फिरते हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों के साथ टाइम ज़रूर गुजारना चाहिए। से बच्चों को बहुत बहुत अपना फील होता है और उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उनके साथ होते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। स्पेशली बचपन में बच्चों का साथ टाइम गुजारना, उनके उनकी बातें सुनना, और बहुत उनको बहुत अच्छा लगता है। और जो पेरेंट्स को बच्चों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, टाइम गुजारना अच्छा लगता है, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी टाइम होता है। ये मैं शो कर रही हूँ बटर चिकन। अरहम ने स्कूल में स्टॉल लगाया था जिसके लिए अरहम ने मुझसे बच्चों के लिए बिरयानी और बटर चिकन और शरबत फलूदा ऐसी की चीज़ें बनाई थी। तो अरहम ने मुझे कंप्लेन की कि मम्मी आपने मेरा खाना जो है वो व्लॉग में नहीं डाला। तो मैंने कहा चले आज मैं ये दिखा देती हूँ ताकि अरहम खुश हो जाए। आज मैं बच्चों को टाइगर वैली लेकर आई हूँ टबॉगनिंग के लिए। तो बस हम अंदर जा रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। अरहम से तो वेट नहीं हो रही। अरहम आपसे वेट नहीं हो रही? नहीं, इतने दिनों से अरहम यही कह रहे थे कि मुझे जाना है टबॉगनिंग। वो देख रहे हो ऑरेंजेस, ऑरेंज ट्री कितना नाइस लग रहा है, देखो छोटा सा है। ओके, ये देखा, ये है ट्रैक। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे जाते हैं। आज तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बच्चों की हॉलीडेज है ना, तो लोग बच्चों को लेके निकले हुए हैं। अभी जाएंगे। जल्दी से टिकट लेके बैठे। हम यहाँ पे स्लो ही जा रहे हैं और हम आगे से फास्ट होगा। बहुत ही नाइस जगह है ये, और मैं ऊपर से भी देखती हूँ, अगर फास्ट ना हुआ तो मैं वीडियो लो ले लूँगी, वरना मुझे डर लगेगा कि मैं वीडियो लो मेरे हाथ से ना। पहले 3 मिनट तो आप नहीं यहाँ इसको यूज़ करते, खुद ब खुद चलता है, उसके बाद फिर आप अपनी स्पीड के हिसाब से इसको ब्रेक को यूज़ करते हैं। ये ब्रेक है और फिर आप इसको यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ बाहर लेकर जाना और ताकि वो एंजॉय कर सके, वो काफ़ी नहीं होता। आपको ख़ुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको खुद बच्चों के साथ उसी तरह ही बच्चे बन जाना होता है कि ताकि वो भी इस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर सकें। उनको अच्छा लगता है बच्चों को कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल हमारी तरह ही खेले और हमारे साथ ही बच्चे बन जाए। आप अगर यहाँ केप टाउन में हैं और अगर यहाँ नहीं आए तो जरूर बच्चों को लेकर आए, बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फन है। मैं भी फन, मुझे भी मजा आ रहा है यहाँ पर। अभी देखें, यहाँ पे ऊपर जाएगी, अभी तक तो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद हो रही है। जब ऊपर जाएगी फिर उसके बाद नीचे आएगा तो फिर आप कंट्रोल करेंगे अपनी स्पीड के हिसाब से।
अभी मुझे डर लग रहा है बच्चों की ये है राइट, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं अभी हम ऊपर जा रहे हैं, आगे क्या है मुझे बिल्कुल याद नहीं है। यहाँ से ये है सारा ट्रैक, मैं बहुत स्लोली स्लोली जा रही हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से वीडियो ले सकूँ। हम जब बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को कंसिडर करते हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स हमारा साथ उनके अंदर देते हैं, तो उनकी खुशियाँ और ज़्यादा हो जाती हैं। अभी यहाँ पर अरहम आगे जा रहे हैं, जितना एंजॉय वो कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं, बार बार टर्न होके मुझे देख रहे हैं कि उतना ही एंजॉय मैं भी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और मैं भी बहुत ज़्यादा, मुझे मज़ा तो बहुत आ रहा था लेकिन मैं भी कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही थी अरहम के सामने कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उससे ये क्या है कि बच्चों को लगता है कि हम अकेले नहीं हैं और ज़्यादा खुशी होती है, और फिर वो बार बार डिस्कस करते हैं उसको कि उनको लगता है मेरी बहुत सारी मेमोरीज मेरे बच्चों के साथ, जब वो बहुत छोटे थे तब से लेकर अभी तक मेरी बहुत सारी मेमोरीज उनके साथ साथ हैं। कि जैसे हम फोटोज़, फ़नी फ़ोटोज़ उतारते थे, जैसे हम बिल्कुल फ़नी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों बच्चों के साथ करते थे, जो कि हम अभी भी इस चीज़ को याद करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यही हमारी मेमोरीज़ होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, और अपने बच्चों को भी दूसरी एक्टिविटीज़ और फ्रेंड्स में इतना बिजी ना कर दें कि वो आपको भूल जाएं। तो एक क्वालिटी टाइम होता है जो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें और वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। ये फ्राइज लिए और काफ़ी ज़्यादा है, ये स्टेप इस पर करो, मेयो डालो, मैं करती हूँ, कितनी डालू, दैट्स इट और मोर, या टोमेटो सॉस, मस्टर्ड, जस्ट फॉर मी, दैट्स इट, यू कुड सॉल्ट, या सॉल्ट, इट हैज। चल अरहम ये स्लशी लिया, अरहम ये क्या कलर है, ये कौन सा ग्रीन कलर है। घूमते फिरते एंजॉय करते खाते पीते हम लोग आज हमने टाइगर वैली में दिन गुजारा, और बस फिर इसके बाद हम घर की तरफ निकल गए थे। और ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने शेयर किया आपके साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।